मैं गुड न्यूज़ सुनाऊं? वजीर रेलवे गुलाम बलोर साहब ने कहा है कि वो अगली हुकूमत में भी वजीर रेलवे होंगे। हैं? लो पला, इसमें गुड न्यूज़ क्या है? बिल्लो, गुड न्यूज़ ये है कि अगली हुकूमत में भी महकमा रेलवे होगा, है ना गुड न्यूज़? वरना वो अपना काम इस दौर में भी तमाम कर सकते थे। जिस पुलिस वाले का पेट ज्यादा बड़ा ना हो, लगता है उसे अपने प्रोफेशन में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन पुलिस को 30 जून तक कमरे, मेरा मतलब है कमरे 38 करने का टास्क दे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। तुम सब की कमरे बिल्कुल परफेक्ट हैं। तुम्हें थोड़ी मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। पेट्रोलिंग गाड़ी की बजाय दौड़ कर किया करो। 2 दिन बाद फिर चेक करने आऊंगा। ओके सर। शुक्र है चला गया। शुक्र है जल्दी निकल आया। टाउन में हमारे आज के टाउन मेहमान हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपना आखिरी बजट पेश किया, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। क्यों आम आदमी के लिए रिलीफ नहीं है? 2 साल तक रहने वाला साबिक वज़ीरे आज़म और सदूर को ता हयात मराहत दी जाएंगी। जी, लेकिन इसमें अवाम के लिए रिलीफ कहाँ है? लफ्ज साबिक में ही अवाम के लिए सारा रिलीफ है। नवाज शरीफ साहिब ने साबिक वज़ीरे आज़म की मरात लेने से क्यों इनकार किया? वो साबिक की नहीं, हाजिर की चाहते हैं। सदर साहिब, वज़ीरे आज़म साहिब ने बजट में ऐलान किया है कि वज़ीरे आज़म हाउस को इंस्टीट्यूट बनाया जाए। अगर आप प्रेसिडेंट हाउस के लिए ऐलान करते तो उसे क्या बनाने का करते? मैं ये ऐलान करता कि प्रेसिडेंट हाउस को स्विस बैंक बनाया जाए, ताकि किसी को ये शिकवा ना रहे कि पैसा मुल्क से बाहर है। सदर साहब, मुल्क में बिजली की कमी है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं कर रही? लोड शेडिंग कर तो रही है। जी, लोड शेडिंग से बिजली की कमी को पूरा, मुझे समझ नहीं आई। देखें, हम जितनी लोड शेडिंग करेंगे उससे उतने घंटे की बिजली बचेगी। ठीक, तो जो बिजली बचेगी उससे हम बिजली की कमी पूरी करेंगे। आपको पता होना चाहिए, तब्दीली का नारा दूसरे लोग लगाते हैं, लेकिन मुल्क में हकीकी तब्दीली हम लाए हैं। आपने देखा, हमने वजीर बिजली और वजीर दिफा तब्दील किए, तो तब्दीली हम लाए हैं ना। लोड शेडिंग की वजह से फैक्ट्रियां नहीं चल रही, बंद हो रही हैं, उसका हल? हल है, वो लोड शेडिंग में फैक्ट्रियां ना चलाए, तब चलाए जब बिजली आ रही हो, बंद नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर मुल्क में खुशहाली होती तो सदर और वजीर आजम को मजीद 10 साल देते। अगर खुशहाली होती, क्या मतलब? वो खुशहाल है, वैसे वो मुझे मजीद 10 साल देना चाहते हैं। अच्छा, वो क्यों? मुझे साबिक सदूर की हैसियत से हासिल होने वाली मराहत से महरूम रखने के लिए। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या होगी? अगली दफा भी आप देखेंगे, हम जीतेंगे, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानी का वक्त हो गया है, मैं काले बकरों की कुर्बानी देता रहता हूँ। नाज़रीन, टॉक ऑफ द टाउन से मुझे इजाजत। आज के अखबारात की बैक पेज न्यूज कौन सी रही? अगर मेरे जाने से फर्क पड़ता है तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं जा रहा। वज़ीरे आज़म गिलानी। आज कराची में अमन रहा, हुकूमत ने नोटिस ले लिया, वज़ीरे दाखला कायम अली शाह। आहो, बंदे मरते रहे तो मतलब हालात नॉर्मल है। अगली बैक पेज न्यूज है,
जमशेद दस्ती अपने भाई की जगह बैठकर बीए का पर्चा देते हुए पकड़ा गया। वाह वाह वाह, हमारा मेयारे तालीम कितना बुलंद है, मैट्रिक पास बीए वाले की जगह पर्चा दे सकता है। क्या कह रही हो, जमशेद दस्ती मैट्रिक पास है? और क्या, नवाज शरीफ भी मैट्रिक पास है। ओहो, मैट्रिक पास करके ही आगे पढ़ते हैं ना, मैट्रिक पास किए बगैर पढ़ के दिखाओ। अगली खबर है, गुनहगार पाकिस्तानी सियासतदान तौबा करने पर दुनिया में तरीके इंसाफ और आखरत में जन्नत पाएंगे। फौजिया कसूरी खुश इसलिए है कि दुनिया में इन्होंने तहरीक इंसाफ पा लिए। अब जरदारी पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने मेरे साथ वादा किया और फिर उसे पूरा भी कर दिया। नवाज शरीफ। सिला, सुना है कि वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया है। 73 के आइन के तनाजुर में उनको मनाना इतना आसान नहीं है। सिला आज के और आने वाले ट्रेंड्स का बताएंगी। आज के ट्रेंड्स क्या हैं सब बताते हैं और आने वाले ट्रेंड्स क्या होंगे कि हम आपको बताएंगे। आज ट्रेंड है असेंबली में मार कुटाई और मुक्के चलते हैं। कल ये ट्रेंड होगा, असेंबली में फाइटिंग के अलग से सेशन हुआ करेंगे। असेंबली सेशन का राउंड वन, बजट पर इजहार करने वाले हजरात ग्लव्स पहन लें। जी, रावलपिंडी और फैसलाबाद के मेंबरान रेडी? और आज के असेंबली सेशन में फैसलाबाद का पल्ला भारी रहा, मौजिस मेंबरान राउंड टू के लिए ग्लव्स पहन लें। आज ट्रेंड है कि आवाम हुक्मरानों से महंगाई की शिकायत करते हैं। वजीर आजम साहब कुछ करें, इतनी महंगाई हो गई है कि 1000-2000 से कम में सूट नहीं मिलता। कल को ये ट्रेंड आ सकता है कि वजीर आजम सवाली हो, भाई हो सकता है। आवाम कुछ करे, बहुत महंगाई हो गई है, 50-60 लाख में कोई सूट नहीं मिलता। सुबह से ये सूट पहना हुआ है, दोपहर हो गई है। आजकल ट्रेंड है अरकाने असेंबली के असासे पहले से 3 गुना बढ़ जाते हैं। हो सकता है, हाँ हो सकता है आने वाले वक्तों में ऐसा ट्रेंड आए कि आवाम के असासे भी 3 गुना बढ़ जाएं। यही तो आवाम के असासे हैं। Yes, आजकल ट्रेंड है अमरीकी सदर की जब अमेरिका में मकबूलियत कम होती है तो वह किसी भी मुल्क पर हमला कर देता है। फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा कोई मुल्क ही ना रह जाए जिस पर अमेरिका ने हमला ना किया हो। तो हो सकता है ऐसा ट्रेंड आए कि अमेरिका खुद अमेरिका पर ही हमला कर दे। आज का ट्रेंड है कि हीरोइंस की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होती, इसीलिए मीरा जी 25 से बड़ी नहीं होती। आज से 70 साल के बाद जो नया ट्रेंड होगा वो भी यही होगा कि हीरोइंस की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होगी।